सो हे गाइस, क्या आप भी चाहते हो कि कॉल आने पर फोटो कैसे सेट करें अपना? तो आप एकदम बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किए हो। वीडियो को एंड तक बस आपको देखना है। आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो बताऊंगा कि कैसे जो है आप कॉल आने पर फोटो सेट कर सकते हो। जैसे कि वीडियो को पहले आपने देखा ही होगा कि कॉल आने पर वहाँ पर मेरा फोटो शो हो रहा था, तो वैसे आप भी कैसे अपना लगा सकते हो और अपने फ़ोन में मज़ेदार बना सकते हो। सो वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पर पहली बार आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल पर प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं इस तरह के रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए गाइज, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइज, आपको अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। एंड ओपन करने के बाद गाइज, आपको यहाँ पर सर्च पर क्या लिखना है, माई फोटो फोन डायलर। एंड जैसे आप इतना लिख कर सर्च करोगे, उसके बाद आपको कुछ इस टाइप से ऑप्शन मिल जाएगा। तो सिंपल से आपको इस वाले आइकन पे क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। एंड कर लेने के बाद आपको सिंपल से इसे ओपन करना है। एंड जैसे ओपन करते हो, उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ सेटिंग बताया जाएंगे जिसे कि आपको फॉलो करना है। तो चलिए, यहाँ पर थ्री वाले डॉट पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर कस्टम स्टाइल पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ ग्रीन कलर का दिखेगा रिसीव वाला, तो आपको सिंपल से उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिस लाइन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको इसे कुछ नहीं करना होता है, इसे एक बार आपको स्लाइड करना होता है, तो कुछ इस टाइप से स्लाइड कर देना है। करने के बाद यहाँ पर बोलता है डबल टैप, तो आपको यहाँ पर डबल टैप करने के बाद ये जो है यहाँ से ओपन नहीं होता, जिससे के कारण कि आप परेशान हो जाते हैं। तो आपको अपने बैक वाले बटन से एक बार बैक करना है, उसके बाद ओके पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको फिर से यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा जिस पर कि आपको लॉन्ग प्रेस एक बार करना होता है, तो यहाँ पर आप एक बार सेलेक्ट कर लेना है। कुछ इस टाइप से करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ परमिशन देने होते हैं, जिससे कि आपको देने के बाद कुछ इस टाइप से एप्लीकेशन ओपन होता है। तो आपको चलिए यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आपको सबको अलाउ कर देना है, जो जो बोल रहा है आपको यहाँ पर अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद कुछ इस टाइप से आ जाएगा। उसके बाद फिर से आपको बैक बटन से यहाँ पर एक बार बैक चले जाना है। कुछ जाने के बाद इस टाइप से आपको बैक ऑप्शन खुल जाएगा। उसके बाद एक ऐड आता है, जिसे कि आपको ऐड को देखना होता है, बस थोड़ी देर का ऐड होता है। तो यहाँ पर जैसे ऐड खत्म होता है, मैं इसे बैक करता हूँ। करने के बाद कुछ इस टाइप से इंटरफेस खुल जाएगा। तो आपको यहाँ पर कॉलर का एक ऑप्शन मिल जाएगा, जिस पर कि आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कोने की साइड में एक मिल जाएगा कस्टम का ऑप्शन, तो आपको सिंपल से उस पर क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद आपको एक बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके चले जाना है। उसके बाद यहाँ पर पिक इमेज पर आपको क्लिक कर देना है। एंड जैसे यहाँ पर पिक इमेज पर क्लिक करते हो, उसके बाद यहाँ पर फिर से पिक इमेज वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना रहता है। सो गाइस, आप जो भी फ़ोटो को सेलेक्ट करना चाहते हो कॉल आने पर दिखे, आपको उस फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए, मैं यहाँ पर एक अपना एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद गाइज, अपना फोटो सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई का, तो सिंपल से आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर ओके कर देना है। जैसे ओके करते हो, फिर से एक ऐड आएगा, उसे कट कर देना है। एंड कट करने के बाद आपको बैक बटन से यहाँ पर चले जाना है। तो यहाँ पर देख सकते हो कॉलर पर, जैसे यहाँ पर आपका कॉल आएगा तो कुछ इस टाइप से फोटो दिखेगा। तो चलिए, मैं यहाँ पर आप सभी को दिखा देता हूँ कॉल आने पर कैसा यहाँ पर फोटो शो होगा। तो गाइज, यहाँ पर देख सकते हो कि मैं यहाँ पर कट कर दिया हूँ। तो अब गाइज देखते हैं कॉल आने पर कैसा फोटो होता है। चलिए देखते हैं।